दंदरुआ सरकार की जय, श्री डॉक्टर हनुमान जी महाराज की जय, श्री वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, दर्द हरुआ सरकार की जय। दंदरुआ सरकार 1008 फेसबुक पेज के माध्यम से आप सभी के बीच लाया हूँ दंदरुआ हनुमान मंदिर से यह लाइव वीडियो। किसी कारणवश अभी भी वैसे विशेष रूप से जो है सुधार नहीं आया है, एक सिम का बड़ी मुश्किल से जो नेट पकड़ा है उससे आप लोगों के बीच यह बाबा के आंगन का नज़ारा आज लाइव के माध्यम से लाया हूँ। बड़ी ही विकट समस्या है इस समय जो है, एक तो कोरोना महामारी चल रही है तो बाहर के भक्त मंदिर में नहीं आ सकते, और इसके साथ साथ नेटवर्क की समस्या होने के कारण लाइव के माध्यम से भी पूज्य महाराज श्री और मंदिर के प्रांगण के दर्शन आप लोगों के बीच नहीं पहुंच पा रहे थे विगत दो हफ्तों से। अब आप देख रहे होंगे दंदरुआ हनुमान मंदिर का यह दिव्य प्रांगण जिसमें आप लोगों को दर्शन कराएंगे हम संकटा व्यू चक्र के ता है। संकटों का नाश करने वाला जो चक्र है यहाँ दंदरुआ में उसको संकटा व्यू चक्र कहते हैं। उस संकटा व्यू चक्र की ओर हम जा रहे हैं और आप लोगों को संकटा व्यू चक्र के हम दर्शन कराएंगे। जिस संकटा व्यू चक्र की विशेष मान्यता है कि इस संकटा व्यू चक्र में जो भी भक्त आकर के एक बार पुष्प घुमाता है हनुमान जी की कृपा से मन चाहा वर तो पाता ही है, मन चाही इच्छा। नेटवर्क की बड़ी समस्या आ रही है और क्षमा चाहूँगा, आज भी आप लोगों को दंदरुआ हनुमान जी महाराज के दर्शन लाइव के माध्यम से नहीं हो पाएंगे क्योंकि नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू है। आप सभी प्रांगण के दर्शन करें, शिखर दर्शन करें, शिखर दर्शनम पाप नाशनम ऐसी विशेष मान्यता है। इस लाइव को शेयर भी कर दें जिससे और भी भक्त लोग जो है सूचना से अवगत हो, उनको जानकारी प्राप्त हो। और कई सारे भक्तों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि पंडित जी यहाँ पर जो है लाइव क्यों नहीं चला रहे हो मंदिर से। आप सभी का मैं बड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ कि एक हफ्ते के अंदर भी मैंने इस नेटवर्क की समस्या को ख़त्म नहीं कर पाया। बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ सभी भक्तों से जो हनुमान जी के दर्शन का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। फ़ोटो के माध्यम से और डी लाइव के माध्यम से आप सभी के बीच मेरा यही प्रयास रहता है कि हनुमान जी के दर्शन अति शीघ्र आप लोगों के बीच पहुँचें। प्रत्येक मंगलवार को इसी प्रयास में रहता हूँ। और आप लोग दंदरुआ सरकार 1008 यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं जिससे आप लोगों को दंदरुआ हनुमान जी महाराज के लाइव दर्शन हो सके। और अभी तो लाइव दर्शन भी नहीं हो रहे हैं तो आप लोगों को जो है वीडियो के माध्यम से डी लाइव के माध्यम से दंदरुआ हनुमान जी महाराज के दर्शन हो। और सभी भक्त जो जुड़े हैं वो कृपया एक बार हाजिरी लगा दें। हाजिरी कैसे लगाते हैं पहले के भक्तों को पता होगा, जय श्री राम जय सिया राम जय हनुमान तो लिखते ही हैं, उसके साथ में मंत्र और चौपाई जरूर होनी चाहिए। आज हनुमान जी के दर्शन लाइव के माध्यम से नहीं होंगे तो चौपाई मंत्रों के माध्यम से ही हमें लगना चाहिए कि हनुमान जी के हम दर्शन कर रहे हैं। तो चौपाई और मंत्रों के माध्यम से आप सभी भक्त लोग एक एक चौपाई आप सभी लिखें और सभी भक्तों को आनंदित करें। सभी के बीच पूज्य महाराज जी के दर्शन हनुमान जी के दर्शन कल लगभग 12 बजे तक अपलोड हो जाएंगे और मंदिर में हनुमान जी की दर्शन फोटो सुबह अपलोड कर दूंगा। हो सका तो लाइव भी चलाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मंदिर प्रांगण में इस समय लाइव नहीं चल पा रहा है। आप दर्शन कर रहे होंगे शिखर के, जैसे ही शिखर के नज़दीक जाते हैं गर्भगृह की ओर जाते हैं तो लाइव बंद हो जाता है। सभी से बस यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी भक्तजन दंदरुआ सरकार 1008 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप लोग मंदिर के डी लाइव संदेश एवं पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन श्रवण करते रहें और लाभान्वित होवें। सभी भक्तों को जय श्री राम। मुझे लगता है कि नेट के माध्यम से मुझे कमेंट शो नहीं हो रहे हैं, भक्त लोग कमेंट तो कर रहे होंगे इस समय। सभी को जय श्री राम जय हनुमान दंदरुआ सरकार की जय। सभी लोग कमेंट जरूर करें, जो लाइव देखें एक बार कमेंट जरूर करें दंदरुआ सरकार की जय, और एक मंत्र चौपाई जरूर लिखें जय श्री राम जय हनुमान।